हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम थोड़ी सी रिसर्च पे निकले हैं, अपने लिए एक डीजल गाड़ी लेना चाह रहे हैं। गाड़ी लेनी है भैया, पेट्रोल गाड़ी भी है, सीएनजी भी है, और डीजल गाड़ी की तरफ हम देख रहे हैं। तो बेसिकली हमने लिस्ट में तीन गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करी हैं। एक है हमारी टाटा नेक्सॉन, दूसरी है महिंद्रा की एक्सयूवी 300, और तीसरी है मेरी किया सोनेट। और 10 लाख के बजट में है हमारा, 10-12 लाख का बजट है। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेगी हमारे लिए, किस पे हमें थोड़ा सही बेस मॉडल किसका मिल रहा है। वेटिंग पीरियड का भी इशू है थोड़ा। अभी हम तो जा रहे हैं किया के शोरूम की तरफ। हाँ, तो अभी टेस्ट ड्राइव लेते हैं किया की, सेल्टोस सोनेट की लेंगे हम, किया सोनेट की। हाँ, और सेल्टोस का जो है बेस मॉडल वो थोड़ा अपर बजट जा रहा है, 13-13.5 के आसपास है। हाँ, तो हमें सोनेट देखते हैं, सोनेट में हमको थोड़ा सही लग रहा है, 10 लाख के आसपास। और आ रही बात है। की जाए क्रेटा की, और काफी और गाड़ियां आती हैं, मगर क्रेटा की वेटिंग जो है वो अप्रोक्स बहुत, हाँ, साल से ऊपर है। साल से ऊपर की वेटिंग बता रहे हैं वो लोग। क्रेटा का भी मन था हमारा लेने का, लेकिन अब एक साल कौन वेट करेगा जब गाड़ी लेनी है तो एक साल। और ब्रीजा का भी अभी फाइनल नहीं हो रहा है कि सीएनजी में कब आएगी। तो ये हमारी मतलब कुछ है गाड़ियां, तो अभी चलते हैं हम लेते हैं जाके सोनेट की टेस्ट ड्राइव, और आपसे शेयर करते हैं फीडबैक। ये है 80 80 है 80 है, ऑटोमेटिक ही आएगा प्योर। ये पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, ड्राइव पीछे रहेगा, ड्राइव पीछे रहेगा। ये दबा के लगाना होता है ऐसे ही? दबा के, लेफ्ट वाला पैर बिल्कुल पीछे। पीछे पीछे बिल्कुल उसको कर दिया। और ये अपने आप चलने लगेगी? अपने आप चलने लगेगी। अच्छा, उसमें पहुंच करने के बाद चलती थी, बस एक्सीलेटर देते थे। अच्छा, और ये मैप वगैरह का हिसाब, मैंने ब्रेक मार दिया तो गाड़ी रुकी रहेगी, गाड़ी रुकी रहेगी। ऑटो होल्ड, ऑटो होल्ड वाला न्यूट्रल बूस्ट को रोकना है, न्यूट्रल ये हो जाएगी अपने आप। मतलब वैसे नहीं रुकेगी कि जैसे न्यूट्रल हो जाती कई गाड़ियों में? नहीं, ऑटो होल्ड हो जाती है। ऑटो होल्ड नहीं होगी, होल्ड भी नहीं होगी ऑटो। वो तो ब्रेक आप छोड़ोगे तो वो चलने शुरू हो जाएगी ना। और बाकी फंक्शन तो सारे इसमें वही है, सेम ही है। इसमें गियर डिस्प्ले कहाँ हो रहा है? इसमें गियर डिस्प्ले नहीं होगा, गियर डिस्प्ले नहीं होगा, मैनुअल वाले उसमें आएगा। नहीं, ये कैसे पता चले कौन सा गियर पकड़ रही है? वो तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, सोचो अपने आप पकड़ेगी। कितने गियर है इसमें टॉप? इसमें आते हैं 6-6 है, 6 गियर है, 6 गियर ऑटोमेटिक है ना। मैप वगैरह साथ के साथ चलेगा? मैप चल रहा है। यहाँ से हाईवे पे ले लो। हाँ, हाईवे पे ले लो। ठीक है, ब्रेक तो ये है 1.5 डीजल। इसकी पावर फिगर क्या है लगभग? पावर की अगर मैं बात करता हूँ, 115 पीएस की पावर है इसकी। अच्छा, मैनुअल ट्रांसमिशन में 100 रहेगी, मैनुअल की 100। और माइलेज दोनों में कितना रहेगा? माइलेज कंपनियां क्लेम नहीं करती है, लेकिन कस्टमर फीडबैक जो हमारे पास में आता है वो आता है आपका 16-17 का सिटी में। 16-17 सिटी, कंपनी क्या दे? 16-17 कह रहा हूँ, आपका आएगा 18 तक के आसपास का। कंपनी क्या दे रही है? कंपनी का जो कहती है वो है करीबन बस मेंशन नहीं करती कंपनी का, बंद कर दिया। अच्छा, ये गियर पकड़ने में झटके से नहीं ले रही है? थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ऑटोमेटिक में तो भी ये फील आएगा। हां, ये जैसे फंस के चल रही हो, ऑटोमेटिक में फील आएगा। नहीं, उसकी रेंज देख कहां तक एक्सटेंड हो रही है। रेंज तो अब क्या ही देखूं, यहां पे ट्रैफिक इतना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती खींच रहे हो। एक बार आप चला के देखो, अब देख यहाँ से मैंने लगाया, अब ये देख इस पर डिस्प्ले भी नहीं हो रहा ना, गियर कौन सा पकड़ रही है। अब तो सही रही है, तो अंदर
से ऐसी फील आ रही है जैसे इसको पकड़ रखा है। हाँ, वो गियर बॉक्स का वैसा बना हुआ है ना। और पीछे से साउंड भी मतलब ऐसी है, या तो एग्जॉस्ट इन्होंने बनाया ऐसा। एक बार आके देखो, इंजन तो हुंडई वाला ही है, वाइब्रेशन तो थोड़ी है डीजल में। चलो देखो क्या सिस्टम है। अब इसको आगे से लेफ्ट ले, फिर देख क्या बात है। गियर में ना थोड़ी खिंचन सी आ रही है, अब मैनुअल चला के देखेंगे उसमें समझ आएगा। हाँ, अब या तो आदत नहीं हमारी मैनुअली चलाए ये हो सकता है बस। 1500 से नीचे नीचे जो गियर चेंज हो रहे हैं ना। हाँ, खिंच से रहे हैं, पता नहीं चल रहे। हाँ, अगर मैं हल्की चला रहा हूँ तो वही तो डिस्प्ले भी नहीं हो रहा कि किस गियर पे आ रही है। अब मैं अगर तेरी तो मैं चलाऊंगा तो। हाँ, खींच के चला। हाँ, देख रहा मतलब गाड़ी ऐसा तेरे को लगेगा इंजन फ्री नहीं हो रहा, पकड़ रखा है। गियर शिफ्टिंग कंटीन्यूअस है ना सर। हाँ, गियर शिफ्टिंग में उतना जर्क भी नहीं जैसे उतना। हाँ, उसमें एमटी वाले, उसमें आईएमटी वाले में उसमें वैसे आता है। एजीएस वाले पार्ट में जैसे। देखना बिल्कुल 5% रखा हुआ है। स्लो चलाएगा तो बढ़िया चलेगी। आते आते फिर से चेंज 1500 के बाद। 1500 के बाद तो चल गई तो बढ़िया चलेगी फिर। लेकिन जब तक पहुंचेगी वहां तक ऐसा लगेगा खींच रहा कोई पीछे को। है ना, फील आ रही है। अरे पीछे क्या एसी का टेम्परेचर पीछे भी आ रहा है। ये तो ये उसके लिए हो रहा है वो सर। 28.3 क्या आ रहा है। ये आता है एयर प्यूरीफायर। ओहो भाई ये तो बढ़िया फीचर है इसमें। एसी की हवा भी पीछे आएगी। अच्छा, इसमें पीछे वेंट भी लगा है या कॉइल भी लगी है एसी की पीछे। पीछे वेंट भी हुआ है। वेंट ही है। चार्जिंग का भी ऑप्शन है पीछे जी। चार्जिंग का ऑप्शन होगा। चल यहीं से घुमा ले अब। इंजन तो इसका 4 सिलेंडर ही है ना, 1500 cc वाला, और मैनुअल का भी 4 सिलेंडर ही रहेगा। इंजन तो सेम ही है दोनों का। सस्पेंशन भी काफी मतलब। हाँ, आवाज ज्यादा आ रही है गड्ढों में। स्टिफ टाइप के लग रहे हैं, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते इनको। भट्ट भट्ट बोल रहे हैं। बाकी बूट स्पेस भी सही है। ये आवाज देख रहा है सस्पेंशन की एकदम। हाँ, भट्ट 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 टेस्ट ड्राइव वाली है थोड़ी, वैसे ही रफ रहती है गाड़ी। तो ऐसा कुछ था हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अभी हमने रिव्यू करा गाड़ी का। तो ये हमने जो गाड़ी गए थे टेस्ट ड्राइव लेने, हमें लेना था मैनुअल का, तो अभी थी नहीं, 2-3 दिन बाद मिलेगी, तो हम दोबारा वीडियो डालेंगे मैनुअल का। अभी जो गाड़ी ली हमने टेस्ट ड्राइव किया था, तो ये गाड़ी थी 1.5 टर्बो के साथ आती है, 80 वर्जन था ऑटोमेटिक। तो इसमें तो मतलब गाड़ी सही है, पिकअप वगैरह बढ़िया है, पावर में कोई इशू नहीं है, बट ऑटोमेटिक का थोड़ा या तो हमारी मतलब अभी हैबिट में नहीं है। और जो भी हमने गाड़ियां चलाई हैं ऑटोमेटिक, तो इस गाड़ी में मेरे को फर्क लगा, गियर थोड़ा ना फंसने जैसा लग रहा था बेसिकली। हाँ, ऑटोमेटिक में और आपका सीवीटी में जो ये, हाँ, इनमें काफी सारे फर्क होते हैं। सीवीटी है, एटी है, एएमटी आता है, इनमें सारे मतलब जितने भी गियर बॉक्स है ना कुछ डिफरेंस तो रहता ही है। हाँ, इसका है 80, तो इसमें थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्पीड खींच रहे हैं गाड़ी की, ऐसा लग रहा है मतलब पीछे को कोई खींच रहा है गाड़ी, मतलब फंसी सी चल रही है। 1500 rpm के बाद फिर गाड़ी फ्री हो जाती है, फिर बढ़िया चलती है। हाँ, और गियर इसमें एक तो डिस्प्ले नहीं होता, तो समझ नहीं आ रहा था क्या गियर है, कौन सा गियर चल रहा है।
उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात की जाए इसमें स्पोर्ट्स मोड भी मैं काफी देखना चाह रहा था, उसमें स्पोर्ट्स मोड भी नहीं था, नहीं कर रहा था, था ही नहीं, मतलब काम क्या कर रहा था इसमें है ही नहीं, स्पोर्ट्स मोड था ही नहीं, बेसिकली वही आपका ड्राइव पार्किंग रिवर्स एंड न्यूट्रल, तो इतना सारा है। और अभी हम लेते हैं मैनुअल की। बाकी अगर बात करें पावर की तो पावर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंजन परफॉर्मेंस, क्योंकि जो मैनुअल इसका है मैनुअल में भी सेम इंजन है, 1500 सीसी का फोर सिलेंडर इंजन मैनुअल में, वो अप्रोक्स आपकी 100 पीएस की पावर निकालता है, इसमें 15 शायद ज्यादा, इसमें 115 की है। तो ये है थोड़ा डिफरेंस। तो जब मैनुअल की लेंगे हम टेस्ट ड्राइव तो आपसे फिर हम शेयर करेंगे। बाकी गाड़ी आपकी जो टॉप मॉडल है वो 6 एयरबैग्स के साथ आती है, तो टॉप मॉडल है जो वो 6 एयरबैग, लेकिन वो जीटी लाइन में है। जीटी लाइन है वो 6 एयरबैग के साथ आ रही है, जो इन्होंने नया निकाला आ रही है जीटी लाइन, तो ऐसा कुछ डिफरेंस बनाया है। अब वही है कि 20-22 लाख में फिर जाओ, और इसमें आता है नॉर्मल अपना 10-12 से शुरू हो जाती है, 10 लाख से ये आता है, 16-18 लाख का आता है टॉप मॉडल इसका, तो इतना पैसा तो क्यों बर्बाद करना जब बेस मॉडल मिल रहा है 10 लाख में, तो 10 वाली ही देखेंगे, और हमें तो मैनुअली लेनी है वैसे भी, बट ये भाई डीजल गाड़ी लेनी थी इसलिए हमने कहा चलो देखते हैं। तो ऐसा था कुछ हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस किया सोनेट 1.5 टर्बो ऑटोमेटिक के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।